हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का अनअकैडमी स्टूडियोज वर्ल्ड पे। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जितने लोग जुड़ चुके हैं, जो लोग नहीं जुड़ पाए उन लोगों को फटाफट बुला लो, जुड़ जाते हैं और धमाल मचाना स्टार्ट करते हैं सुबह सुबह। आज हम सभी लोग टॉप 10 क्वेश्चंस लेके आए हैं सायलोगिज्म का। वो सारे क्वेश्चंस जो पीछे कई बच्चों के अभी भी कन्फ्यूजन है, ओनली वाले कुछ क्वेश्चंस हैं एंड ऑल, वो सारे टॉप 10 क्वेश्चंस के थ्रू लेके आए हूं। लेकिन अपने टीम की मुलाकात करा दूं आप सभी लोगों से, फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अभिजीत मिश्रा सर हैं जी इन करंट अफेयर के लिए, फिर लोकेश शर्मा सर हैं आप क्वांट के लिए, यहाँ पे उमदा फैकल्टी नरेंद्र कुमार सर, निमिषा मंसल मैम है इंग्लिश के लिए बेहतरीन फैकल्टी, और मैं श्याम असारे आप सभी लोग साथ एश्योर करूंगा कि अपने पास रीजनिंग में सबसे ज्यादा मार्क्स आए। कंप्लीट रीजनिंग फॉर प्रीलिम्स में आपका स्वागत है। और आज का जो क्लास है वो टॉप 10 सायलोगिज्म क्वेश्चंस है फॉर प्रीलिम्स, क्योंकि सायलोगिज्म में अभी जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ही अभी फिलहाल बन रहे हैं। और मेंस लेवल का है तो एडवांस सायलोगिज्म वीक में लास्ट वीक मैंने कराए हैं, उसे देख जरूर लीजिएगा, मतलब फ्राइडे को कराया था, ठीक है। इनइक्वालिटी पे भी क्लास करी हुई तो वो सब कुछ आप लोग ध्यान दीजिएगा जरूर, ठीक है। तो आप बीएससी कंप्लीटेड है मेरा फिजिक्स एंड मैथ के साथ, 8 साल एक्सपीरियंस हो गया, अभी 8 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस हो चुका है एजुकेशन इंडस्ट्री में। आप मुझे मंडे टू संडे मेरी क्लासेस देख सकते हैं, जैसे अभी 11 बजे प्रीलिम्स की क्लासेस चल रही है, शाम को 5 बजे मेंस की क्लास चलेगी अभी, ठीक है। इसमें मैंने आर्गुमेंट के क्वेश्चंस कुछ दिए हैं टॉप 10 क्वेश्चंस, ठीक है, उसे देख लीजिएगा। और सायलोगिज्म के जो टॉप 10 क्वेश्चंस है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। एडवांस सायलोगिज्म जो मेंस लेवल का है फ्राइडे को मैंने कराया था शाम को 5 बजे 1 घंटे अनअकैडमी स्टूडियोज वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पे। आप सभी लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं, मुझे फॉलो करेंगे तो आप सभी लोगों को मेरे प्लस के भी क्लासेस आपको देखने को मिलेंगी, जो फॉलो करना जरूरी है, एक बार फॉलो मुझे जरूर कर लें। उसके लिए आप सभी लोग दो तरीके से जा सकते हैं, एक डेस्कटॉप से भी और दूसरा अपने पास मोबाइल फ़ोन। तो मोबाइल फ़ोन के लिए आप सभी लोग को अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा। अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर लीजिए और उसमें बैंक एग्जामिनेशन गोल सेलेक्ट कर लीजिए, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है अभी तक, ठीक है। उसमें आप सभी लोग जब सब्सक्रिप्शन ले लेंगे तो उसमें आप सभी लोग को फ्लेक्सिबल शेड्यूल मिलेगा, आपके लैंग्वेज अपने हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं, चाहे वो इंग्लिश, हिंदी, मलयालम, तमिल, तेलुगु, वॉट एवर जो लैंग्वेज हो वो लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं। और आप अनलिमिटेड प्रैक्टिस कर सकते हैं क्विजेस पे भी और बाकी चीज़ों के साथ भी, ठीक है। तो आप इनरोल कर लें अपने आप को, और याद रखिए एक सब्सक्रिप्शन है वो क्लासेस से कहीं ज़्यादा होगा, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट बेस्ड क्विजेस जो मैंने बताया था वो देख सकते हैं आप, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन हो सकता है, सिर्फ क्लासेस नहीं होगी, आप डाउट भी क्लियर कर सकते हैं और साथ ही साथ आप डिटेल टेस्ट सीरीज भी दे सकते हैं। ये सब कुछ आपके मार्किंग वगैरह भी अच्छे तरीके से दिखेगा, आपको फील भी होगा कि आप क्लासरूम में हैं, आप एजुकेटर के साथ चैट कर सकते हैं, इंटरेक्टिव पोल पे आंसर दे सकते हैं, कभी भी कहीं पे भी पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं, देख सकते हैं आप लोग टेस्ट सीरीज का एक एग्जांपल मैंने दिया हुआ है, ये जून की बात है, मई और जून की तब की बात थी, फिलहाल जैसे जैसे वो अपडेट होता जा रहा है सब अपडेट आपको मिलता चला जाएगा। आप सभी लोग सिलेबस भी कंप्लीट कर सकते हैं, कैसे, वो आप सब्जेक्ट वाइज भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल क्वांट का, रीजनिंग का, इंग्लिश का, जीए का, या प्रैक्टिस बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं, या बैचेस वाइज भी ज्वाइन कर सकते हैं, या एग्जाम ओरिएंटेड भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये सब कुछ एक छोटे से सब्सक्रिप्शन लेने के बाद, जो आप लोग मोबाइल यूज़ करते हैं उसके जब बैंक एग्जाम सब्सक्रिप्शन पे जाएंगे तो आपको 1 महीने 3 महीने 6 महीने 1 साल 2 साल के डिफरेंट मॉड्यूल ओपन होंगे। 1 साल कम से कम तो प्रिपरेशन करेगा करेगा बच्चा, टॉप एजुकेटर्स 55+ है और यहाँ पे 30+ आवर्स का कंटेंट डेली मिलने वाला है। तो आप SLIVE रेफरल कोड यूज़ करिए तो आपका जो एनुअल सब्सक्रिप्शन प्राइस जो है वो 10% एडिशनली डिस्काउंट होके 5400 हो जाएगा। और आप सभी लोग अनअकैडमी प्लस को अगर आप डायरेक्टली डेस्कटॉप से अवेल करना चाहते हैं तो आप लॉगिन कर सकते हैं unacademy.com पे, उस पर रजिस्ट्रेशन के लिए सिर्फ मोबाइल नंबर डालना होगा, मोबाइल नंबर से रजिस्टर कर लीजिए। रजिस्टर करने के बाद आपको आप ओपन कर सकते हैं, एक छोटा सा OTP आएगा आपके मोबाइल पे, आप रजिस्ट्रेशन डन। इसके बाद 1 महीने 3 महीने 1 साल 2 साल सभी डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं, उनमें से कोई एक चूज़ कर सकते हैं unacademy.com, फिर उसके प्लस सेक्शन में जाके बैंकिंग एग्जामिनेशन से आपका गोल सेलेक्ट करके आप कर सकते हैं। SLIVE यूज़ करेंगे 10% डिस्काउंट मिलेगा आपको एडिशनल, आप 2 साल का लेना चाहें तो 2 साल का 8640 पड़ेगा। तो चलिए आइए टॉप 10 सायलोगिज्म के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फॉर प्रीलिम्स। तो आप सभी लोग जल्दी जल्दी आप लोग यूज़ कर लें और रेडी हो जाएं एक एक क्वेश्चन के लिए। जैसे पहला क्वेश्चन ये रहा, मैं हर एक क्वेश्चन पे 10 सेकंड के लिए पॉज लूंगा, इस 10 सेकंड में आप सभी लोग से 15 सेकंड में आप क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, साथ ही साथ मैं जब तक डायग्राम बनाऊंगा तब तक आप आंसर चेक कर लीजिएगा। चलिए शुरू करें।
चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। डायग्राम बन गया होगा, आप कंक्लूजन चेक करिए, तब तक मैं इधर डायग्राम बनाता हूं। ओनली फ्यू वॉचेस आर मार्स। अब बोला कुछ ही वॉच हमारे पास मार्स है, इतना ध्यान रखिएगा। ऑल पैरेट आर मार्स, ऑल पैरेट आर मार्स। देखो पूरा पूरा वॉच मार्स नहीं होगा क्योंकि ओनली फ्यू बोला है। ऑल वॉच कैन नेवर बी पैरेट, ऑल वॉच कैन नेवर बी पैरेट इज करेक्ट, क्योंकि सारे वॉच कभी भी पैरेट नहीं होंगे क्योंकि वो तो बाहर ही रहेगा ना हमेशा। ठीक है, कुछ हिस्सा तो बाहर रहेगा, कभी नहीं हो सकता। एटलीस्ट सम पैरेट आर वॉच, ऐसा कहना गलत है। सिर्फ पहला सही, तो इसलिए ऑप्शन नंबर वन लगाएंगे, सिर्फ पहला सही है। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू। डायग्राम बनाइए, चलो देखें। ऑल बी आर एस, ऑल बी आर एस दिया हुआ है, फिर नो बी इज डी, नो बी इज डी दिया हुआ है। पहला कंक्लूजन नो एस इज डी। देखो नो का रिलेशन सिर्फ अंदर के साथ है, तो बाहर के साथ नो कहना गलत है। सम एस आर डी, दोनों में क्या बन जाएगा हमारे पास, इधर और। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड, इधर और इज करेक्ट आंसर। दोनों गलत हो गए, सब्जेक्ट प्रेडिकेट मैच कर गया था इसलिए। इसका बताओ, ओनली फ्यू बी आर के, सिर्फ कुछ ही बी हमारे पास क्या है के, ओनली जब भी लगे ना ओनली फ्यू, तो एरो लगा दिया करो ताकि कंफर्मेशन मिले। ठीक है, ओनली फ्यू बी आर के लिखा हुआ, ऑल के आर पी, ऑल के आर पी बोल दिया, तो ये हमारे पास बन गया पहला। सम बी आर पी, सामने दिख रहा है सम बी आर पी, ऑल पी कैन नेवर बी बी, उल्टा बोल रहा, ऑल बी कैन नेवर बी पी बोलता तो सही हो जाता, पी पूरा पूरा के में जा सकता है, तो दैट्स व्हाई ये कहना हमारे पास गलत है, सिर्फ पहला सही, ऑप्शन नंबर वन। फिर से रिपीट कर दे रहा हूं क्यों हमारे पास सिर्फ पहला सही हुआ है। सिंपली हमारे पास क्वेश्चन क्या बोला है कि ओनली फ्यू बी आर के, सिर्फ कुछ ही बी के हैं। जब ओनली फ्यू लिखते हैं जिसे बोले ओनली फ्यू ए आर बी, ये हो गया। इसकी पॉसिबिलिटी अगर बात करें ना, सारा सारा बी जो है ए में आ सकता है, अभी भी ओनली फ्यू ए आर बी हो सकता है। ठीक है, ये भी पॉसिबल है डायग्राम, लेकिन सारा सारा ए बी में नहीं जाएगा। सिमिलर यहां पे हमारे पास बोला है कि ऑल पी कैन नेवर बी बी, तो पूरा पी कभी बी में नहीं जा सकते, गलत है, ये जा सकता है। और पूरा बी भी पी में आ सकता है लेकिन के में नहीं जा सकता, बस के मना किया है, बाकी लोग नहीं मना किया है, इसलिए दूसरा कहना गलत है, सिर्फ पहला से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर। ओनली फ्यू डब्ल्यू आर सी, ओनली फ्यू डब्ल्यू आर सी दिया हुआ, सम बी आर डब्ल्यू, ओनली फ्यू डब्ल्यू आर सी हो गया, सम बी आर डब्ल्यू हो गया, नो डी इज सी, नो डी इज सी बन गया पहला कंक्लूजन। एटलीस्ट सम डब्ल्यू आर डी, तो कुछ डब्ल्यू डी होंगे, ये कंफर्म नहीं है। ऑल सी बींग बी इज अ पॉसिबिलिटी, यस हो सकता है। इसके साथ सम का रिलेशन बनाते हुए सी यहां आ जाए, नो का रिलेशन इधर बना ले, कोई इशू नहीं, तो दूसरा सही, सिर्फ दूसरा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव।
स्टेटमेंट ऑल एम आर डब्ल्यू, ऑल एम आर डब्ल्यू दिया हुआ है, सम सी इज डब्ल्यू, सम सी इज डब्ल्यू, नो एम इज बी, नो एम इज बी दिया हुआ पहला कंक्लूजन। सम डब्ल्यू कैन नेवर बी बी, तो सम डब्ल्यू कैन नेवर बी बी सही, यानी डब्ल्यू का ये वाला हिस्सा जो है कभी बी नहीं हुआ, सही कह रहा है। ऑल बी कैन बी सी, सारे बी कभी सी में जा सकते हैं, यस यहां आ जाए हमारे पास नो का रिलेशन बनाते हुए बी जा सकता है, तो दूसरा भी सही, बोथ फॉलोज इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर फाइव का बोथ हो गया। क्वेश्चन नंबर सिक्स इज हियर, चलिए ऑल एच इज ओ, ऑल एच इज ओ दिया हुआ है, फिर दिया हुआ है ओनली अ फ्यू पी इज एच, ओनली फ्यू पी इज एच दिया हुआ है, आगे नो ओ इज बी, नो ओ इज बी दिया हुआ है पहला कंक्लूजन। हम बात करेंगे सम एच इज बी, सम एच आर बी, ये ना है ना होगा, सम ओ कैन नेवर बी पी, ओ का कुछ हिस्सा कभी भी पी नहीं होगा, ऐसा भी कहना गलत है, जा सकता है, तो दो के दोनों गलत है, नीदर फॉलोज होएगा इसका आंसर, करेक्ट आंसर नीदर नॉर, दोनों गलत। क्वेश्चन नंबर सेवन इज हियर, नेक्स्ट ओनली फ्यू पी इज एच, ओनली फ्यू पी इज एच हो गया हमारे पास, ओनली फ्यू पी इज एच हो गया, ऑल एच आर ओ, ऑल एच आर ओ, ऑल एच आर ओ दे दिया हमारे पास, नो ओ इज बी, नो ओ इज बी दिया हुआ हमारे पास पहला कंक्लूजन। ऑल पी बींग एच, ऑल पी बींग एच इज अ पॉसिबिलिटी, रॉन्ग होगा, क्यों रॉन्ग होगा, क्योंकि पी का ओनली हिस्सा ही हमारे पास एच में है, पूरा कहना गलत। दूसरा हमारे पास क्या दिया हुआ, सम पी कैन नेवर बी बी, सम पी कैन नेवर बी, तो देखो पी का ये वाला हिस्सा जो हमारे पास ओ में है वो कभी बी नहीं जाएगा, सही कह रहा, तो ओनली सेकेंड इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट इज हियर, ओनली फ्यू पी आर वाई, ओनली फ्यू पी आर वाई, ओनली फ्यू वाई आर आर, ओनली फ्यू आर इज डब्ल्यू, एंड आर इज डब्ल्यू पहला, ऑल आर बिंग वाई, आर वाई में यस जा सकता है, सम आर कैन नेवर बी पी, कुछ आर कभी भी पी नहीं हो सकते, ऐसा कहना गलत, वो भी जा सकता है, तो करेक्ट आंसर सिर्फ पहला सही है। क्वेश्चन नंबर नाइन इज हियर, डायग्राम ओनली फ्यू एन आर पी, ओनली फ्यू एन आर पी, और आगे दिया नो डी इज पी, नो डी इज पी, सम डी आर एन,
कुछ डी एन है ये कंफर्म नहीं है, ऑल एन कैन नेवर बी डी सही है, पूरा एन कभी भी डी नहीं हो सकता क्योंकि एन का ये वाला हिस्सा कभी उसमें डी में जाने नहीं देगा, तो ओनली सेकंड इज सही। लास्ट क्वेश्चन आज का, ओनली फ्यू बी आर पी, ओनली फ्यू बी आर पी दिया हुआ है, ये रहा हमारे पास, ओनली फ्यू एल आर पी, ओनली फ्यू एल आर पी दिया हुआ है हमारे पास, नो एल इज एम, नो एल इज एम दिया हुआ, सम एम आर ओ, सम एम आर ओ, पहला कंक्लूजन, सम एम इज पी इज ए पॉसिबिलिटी, एम ओ पी में पॉसिबल है, सम का रिलेशन किसी में भी पॉसिबिलिटी मांगेगा एम का हो सकता है, सम बी कैन नेवर बी एम, बी का कुछ हिस्सा कभी एम नहीं होगा ऐसा कहना गलत, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, दैट्स वाई हमारे पास करेक्ट आंसर सिर्फ और सिर्फ पहला सही है, ओनली वन इज ट्रू। तो ये तो थे 10 क्वेश्चन जो हमारे पास, जिन पे हमें धमाल मचाना था और आप सभी लोगों ने धमाल मचाए भी हैं, और आज के लिए बस इतना ही, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए आज के आज ही, ये रहा हमारे पास SLI, रेफरल कोड यूज करिए और इससे 10% आपको एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा, एडिशनल याद रखिए हमेशा कुछ ज़्यादा ही देगा डिस्काउंट, आप जब भी लेना चाहें तो लीजिएगा ऑटोमेटिक पता चल जाएगा, ठीक है। तो टॉप एजुकेटर से 30 घंटे के रेगुलर क्लासेस कंटेंट लेने के लिए, ठीक है, तो सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और आप सभी लोग 1 साल या 2 साल के लिए सब्सक्रिप्शन जरूर परचेज करें आज के आज ही। थैंक यू वेरी मच, बाय, संडे है थोड़ा सा एंजॉय कर लीजिए, छोटा सेशन इसीलिए रखा हुआ है, वापस से हम लोग कब मिलते हैं, कल मिलते हैं अपने टाइम पे सुबह सुबह, ठीक है, तो धमाल मचाएंगे, उमदा प्रदर्शन करेंगे, किसी भी टाइप की प्रॉब्लम हो मुझसे जरूर कम्युनिकेट करिए। थैंक यू वेरी मच, बाय, अपना ख्याल रखिए, जम के रॉक करिए, बाय।